हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग। सो आज हम करने वाले हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो मैं यूजुअली डेली मॉर्निंग में फॉलो करती हूँ। तो आज मैं वो स्किन केयर रूटीन आप सबको बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्टेप है ना, मैं वो फॉलो करती हूँ। बहुत सारे लोगों को सेलिब्रिटीज को मैंने देखा है कि वो अपना जो फेस है ना आइस डेट करते हैं। तो मैंने एक बार मेरा फेस आइस ब्रेक किया था, तो मुझे उसके बहुत ज़्यादा रैशेज एंड ऑल हो गए थे, मतलब स्किन का कुछ इशू हो गया था छोटा सा। तो आजकल जो मुझे वो वर्क नहीं किया, तो मैंने उसका सेकेंड अल्टरनेटिव निकाला है, जो आजकल ऐसे वाले जो ये आते आइज रोलर आते हैं, तो उससे मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले। तो मैंने ये ऑलरेडी इसको जमा के रख दिया था। रात को आप इसमें बहुत ईजी टू यूज़ है, मुझे ये अमेजोन पे जस्ट समथिंग अराउंड 200-300 के अराउंड ये मिल गया था। ये बहुत ईजी टू यूज़ है, ये जस्ट हैव मतलब पानी डाल के आपको रात भर फ्रीज में छोड़ देना, सुबह निकालोगे तो पूरा ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, इसे जस्ट ईजीली अपने फेस पे रोल करना है, जितना भी पूरा फेस है आपका उस पर अच्छे से आप इसे कम से कम 5 मिनट तक आप इसे रोल कीजिए। अगर आपको बहुत ठंडा लगता है तो आप 1 सेकेंड के लिए इसे पॉज हो जाइए, वहाँ पर इसे रोल कीजिए। एकदम से स्किन आपको नम लगने लग जाएगी जब आप इसे रोल करोगे आपके फेस पे। रोल कर दिया, फिर कोई भी एक नॉर्मल जो आपको एक क्लॉथ ले सकते हो, डैब या फेस। आपको पूरा ये नहीं करना है कि आपको आपका फेस में डैब करना है। जब आपके फेस पर कुछ छोड़ ना, तो इतना डिप्रेशन फील होगा ना, इसलिए जो भी आपके पोर्स अपने आपने कुछ रात के स्किन केयर वगैरह कभी भी किया हो, तो उससे आपके पोर्स एकदम ओपन हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपने आपका पहला स्टेप कर लिया है। सो मैं यूजली मेरा फर्स्ट स्टेप ये रहता है। सेकेंड स्टेप मैं टोनर यूज़ करती हूँ, कोई भी आप टोनर ले सकते हैं। मेरे पास ये ब्राइटनिंग टोनर है गुड वाइब्स का, जो राइज एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। सो After this, I apply my toner. टोनर ना आपके जितने भी पोर्स ओपन होते हैं उनमें अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है, आपके पोर्स रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इसे अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई कर लीजिए और इवनली आप इसे स्प्रेड कर लीजिए। अभी आपका टोनर हो चुका है, सो हम जाएंगे सेकेंड स्टेप की तरफ, सॉरी थर्ड स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट तो अपना आइजिंग वाला हो गया, सेकंड टोनर हो गया, थर्ड इज कोई भी सीरम जो आप एक कोई भी हाइड्रेटिंग सीरम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं या फिर बहुत सारे अलग काइंड ऑफ सीरम होते हैं वो यूज़ करते हैं। विटामिन सी बेसिकली मुझे मेरे स्किन के ऊपर बिल्कुल सूट नहीं होते, मुझे बहुत सारे पिंपल आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड छोटे छोटे से डॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैं विटामिन सी सीरम नहीं यूज़ करती हूँ, मैंने गार्नियर की यूज़ करना स्टार्ट किया था, बट मुझे ये रिएक्शन हुआ था मेरे फेस से, तो उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। तो मैं अभी फिलहाल एक ही सीरम यूज़ करती हूँ, तो मैं सुबह भी यूज़ करती हूँ, शाम को भी यूज़ करती हूँ, रात को भी यूज़ करती हूँ। तो वही एक है नायासिनमाइड सीरम है मिनिमलिस्ट की, मैं यही यूज़ करती हूँ, 10% है ये। सो वी विल अप्लाई अवर सीरम, वही यूजली 2 से 3 ड्रॉप लेंगे अपन और इसे अच्छे से मिक्सर इवनली स्किन के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। मिक्सर आप इसे आपके डार्क सर्कल्स पर भी लगाए, ताकि ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को रिफ्रेशिंग बना देती है। जो भी आपका एक्सेस प्रोडक्ट है वो आप अपने नेक तक लेकर जाइए, ताकि आपके नेक को भी नरिशमेंट इतनी की उतनी मिल सके। सो अभी आपकी सीरम हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है, तो अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप के लिए। तो फोर्थ स्टेप में जो आपका यूज़ हो रहा है वो है मॉइस्चराइज़र। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको सूट होता है। मुझे फिलहाल सूट हो रहा है पॉन्ड्स का ये वाला मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेरी स्किन के ऊपर वर्क कर रहा है। ये पूरी मेरी स्किन मेरी तो ना कॉम्बिनेशन सेम है, यहाँ पे ऑयली है, यहाँ पे एकदम ड्राई है, तो ये मेरी स्किन का ना सारा जो मॉइस्चर है ना उसे मेंटेन रखता है। मैंने थोड़ा टाइम हो गया ये मेरा सीरम लगा लिया, उसके बाद में ना जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो मेरा मॉइस्चराइज़र रहेगा। कोई भी चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करते आप, जितने ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट को कम क्वांटिटी में लो, ज़्यादा भी क्वांटिटी में मत लो, वो आपकी स्किन के अंदर जा भी नहीं पाएगा अच्छे से। जस्ट मसाज इट, पूरा इवेंचुअली स्प्रेड कर लो, अच्छे से अपने फेस को इवनली लगा लो।
जब आप मॉइस्चराइजर लगाओ तब मेक श्योर करो कि आप अपने ईयर्स पे भी मॉइस्चराइजर लगाओ, बिकॉज बहुत सारे लोग टेंड करते हैं कि अपने ईयर्स भूल ही जाते हैं। तो मॉइस्चराइजर जब भी लगाओ तो आप मेक श्योर करो कि आप अपने कानों को भी थोड़ा मॉइस्चराइज करो, इनको भी जरूरत है मॉइस्चराइजर की। हमने हमारा मॉइस्चराइजर लगा लिया, सो नाउ हम लगाएंगे सनस्क्रीन। आप भले घर के अंदर हो, घर के बाहर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, आजकल की एयर भी इतनी वाव नहीं है कि आपकी स्किन एकदम रिफ्रेशिंग फील होगी। मैं क्या करती हूँ ना, मेरा एक हैक है, मैं सुबह नहाती हूँ ना, उसके बाद में मैं 10 से 15 मिनट तक कुछ नहीं लगाती हूँ अपने फेस को। 10 से 15 मिनट में पूरा सोक होने देती हूँ मेरे फेस को, कि थोड़ा बाहर मतलब सनलाइट वगैरह अगर कहीं पर रहती हूँ तो वहाँ पर जाकर मैं बैठ जाती हूँ सिर्फ। फिर उसके बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा जो अभी ये जो मैं रूटीन कर रही हूँ ना, उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ आइजिंग लगाना ये वो। आइज को मैं समटाइम्स सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में लगा लेती हूँ, या फिर स्किन केयर करने के पहले भी आप लगा सकते हो, कि दैट्स ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। सो अब मेरा सनस्क्रीन, मैंने सेटाफिल सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, ये SPF 30 है, लाइट जेल हाई प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सो जस्ट टेक दिस मच अमाउंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 उंगली 2 उंगली, मुझे अभी तक वो टेक्निक नहीं समझ रहा बिकॉज वो मेरे फेस पे बहुत सारा सनस्क्रीन कर देता है, तो मैं उतना नहीं करती, मैं सिर्फ इतना सा लेती हूँ इसे अच्छे से इवनली ये करके। मैं पूरे फेस पे मैं सनस्क्रीन को ज़्यादा भी नहीं घिसती, बस थोड़ा सा लगा के उसको सेटल होने के लिए छोड़ दो, वो अपने आप सेटल हो जाएगा जितना भी उसको टाइम होना रहेगा उतने टाइम के बाद में। आप ये शाइन देख सकते हो, ये थोड़ा क्या हो रहा है ना करके कि पसीना जैसा हो रहा है, मैं तो ये सब कुछ एक साथ में यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, बट थोड़े टाइम के बाद में ये नॉर्मल हो जाता है। आप कहीं पर भी नॉर्मली पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ जाए एंड इट विल गेट ओके फॉर योर स्किन। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब लास्ट जो है वो है कि आपके लिप्स का भी ध्यान रखें। सो आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का ये बटर फार्मूला है, जेली बटर फार्मूला है। सो ये ना बहुत अच्छे है यार, इसके बहुत सारे वेरियंट्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट रखते हैं, तो मैं इसे लगाना बहुत अच्छे से प्रेफर करती हूँ। अब देख रहे हो जो प्लम्प आ रहा है, ये आपके लिप्स को बहुत हाइड्रेट रखता है। इसको मेरे को ये तो समझ में आ गया, ये आराम से 2-3 घंटे चल जाता है आपके लिप्स पे। इसका शेड भी ये वाला है, मुझे एक्चुअली दूसरा शेड चाहिए था बट मैंने ना ये ब्लिंकिट से मंगवाया था, तो मुझे ये वाला शेड दे दिया वो ब्लिंकिट वाला, फिर मैं चेंज भी नहीं करा सकती। इसका रूबी वाला कोई शेड है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो मैंने उसकी वजह से इसे खरीदा था, बट इसका ये शेड भी इतना अच्छा, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ऑरेंजिश शेड देता है ये, बट ये थोड़ी देर के बाद में घुल जाता है ना तो बहुत प्रिटी लगता है। तो या लिप्स का भी ध्यान रखो, आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपके आपके पास अवेलेबल है वो वाली चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।